समय जो है छत्तीसगढ़ के हर एक स्टूडेंट के मन में यही एक डाउट है, यही एक प्रश्न है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती 2023 में जो है कब से निकल कर आएगा, कब से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और कितने पोस्ट जो है आप लोगों के लिए कितने पदों पर जो है भर्ती जो है होने वाला है। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट के यही डाउट है, यही प्रश्न है कि आखिरकार कब जो है नई वैकेंसी जो है कब जो है नई वैकेंसी नए रिक्वायरमेंट्स नए भर्ती जो है निकल कर आएगा और किस तरीके से हम जो है आवेदन कर पाएंगे। आप ऐसे एक स्टूडेंट अभी यही सोच रहे हैं, तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन की भर्ती जो है होने वाला है और यह भर्ती जो है बिल्कुल ही आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है निकल कर आने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को यदि हॉस्टल वार्डन बनना है, छात्रों से अधीक्षक बनना है, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती, नई वैकेंसी जो है, नई अपडेट्स है, नए जॉब्स आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के 400 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है निकल कर आने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को यदि हॉस्टल वार्डन बनना है, छात्रावास अधीक्षक बनना है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है भर्ती हैं, नई रिक्वायरमेंट्स हैं, नई वैकेंसी जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, मेहनत अच्छे से कीजिए। अगर अच्छे से तैयारी रखेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन इसमें जो है डेफिनेटली जो है हो पाएगा। जहाँ तक बात करें कि इसके लिए आवेदन जो है कब से शुरू होगा, तो इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जब आरक्षण का मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से ही आप सभी स्टूडेंट को नई भर्ती जो है, नई वैकेंसी जो है, आप सभी स्टूडेंट को देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी को मैं ये कन्फर्म 100% बताना चाहता हूँ, आप श्योर हो जाइए कि वैकेंसी जो है होने वाला है और 400 पदों पर ही हम सभी स्टूडेंट के लिए भर्ती जो है निकल कर आने वाला है। तो तैयारी जो है अच्छे से रखिए, मेहनत अच्छे से रखिए, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, आपको इसका एक बेहतर एक अच्छा एक बेस्ट रिस्पांस जो है मिल पाएगा, देन आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो पाएगा। और जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, सबसे पहले अपना तैयारी अच्छे से रखिए। अगर आपका तैयारी अच्छे से रहेगा, पढ़ाई अच्छे से करेंगे, प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, तभी आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में एक बेहतर एक अच्छे से नॉलेज जो है मिल पाएगा, देन आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, और असल में मुश्किल जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, हम सिर्फ अपने सोच से ही उन चीज़ों को मुश्किल बना देते हैं और हमें लगने लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम मेहनत ही नहीं करना चाहते, हम तैयारी ही नहीं करना चाहते, इसी वजह से हमारा सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तो बिल्कुल मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा, इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो है, हज़ारों लाखों स्टूडेंट कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम दिला रहे हैं, हज़ारों लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, हाइप बहुत ज़्यादा है, तो उन सभी के बीच में हम एग्ज़ाम्स को कहाँ से क्वालिफ़ाई कर पाएंगे, ये चीज़ें बिल्कुल मत सोचो। डेफिनेटली आप एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स में भी आप अच्छे से नंबर जो है ला सकते हैं। अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आने वाला है। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को हॉस्टल वार्डन बनना है, छात्रों से अधीक्षक बनना है, तो आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट्स। अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो हॉस्टल वार्डन बनने के लिए छात्रों से अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आपका कंप्यूटर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में अकेले 50 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें कम से कम आपको 25 नंबर लाना ही लाना है कैसे भी करके। अगर आपका कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर नहीं आता तो आपका सिलेक्शन जो है किसी भी प्रकार से नहीं हो पाएगा, आपको कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर लाना है। आप किसी भी सब्जेक्ट में कितने ही अच्छे नंबर क्यों ना ला पाए, किसी भी सब्जेक्ट में कितने भी अच्छे नंबर आपका आ जाएगा, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर कहीं आपने कंप्यूटर्स में 50 में से अगर 25 नंबर नहीं लाया तो तैयारी आपको अच्छे से रखना है, मेहनत आपको अच्छे से रखना है, प्रिपरेशन अच्छे से करना है, हार्डवर्क आपको अच्छे से करना है। हार्डवर्क अच्छे से कीजिए, मेहनत अच्छे से कीजिए, तैयारी कीजिए। कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो 400 पोस्ट जो है, 400 नई भर्ती जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लो, अच्छे से मेहनत करो, आपको वापस से एक अच्छा बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा।
जिससे हम जो है सीजी व्यापम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, प्रिपरेशन आप जो है अच्छे से कर सकते हैं और देन आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। और यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर आ गया, मतलब आप जो है हॉस्टल वार्डन बन पाएंगे। अगर हम जहाँ तक कटअप की बात करें तो 150 क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें से कम आपको अगर जनरल के डिग्री वाले हैं तो 125 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा, 120 से 125। वहीं OBC का 115 से 120 में, SC का वही है 110 से 115 और ST कैटेगरी का 100 से 105 नंबर के बीच में। अगर इतना नंबर आएगा तभी आपका सिलेक्शन जो है होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन जो है किसी भी तरह से किसी भी रूप में जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन आपको लेना है, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको अच्छे से करना है, प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। जितना हो सके तैयारी करो, जितना हो सके तुम मेहनत करो, जितना हो सके तुम पढ़ाई करो। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, उतना ही आप लोगों को एक बेहतर, एक अच्छा, एक बेस्ट बेनिफिट्स, एक अच्छा रिज़ल्ट जो है मिल पाएगा। और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप सिर्फ अपने सोच से जो है कोई भी चीज़ जो आसान होता है उसको भी आपको लगने लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है, ये चीज़ है। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप तैयारी करेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है इसमें हो पाएगा और आपको जो है कामयाबी भी अवश्य रूप से मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नई अपडेट्स के साथ आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है होने वाले हैं, तो तैयारी अच्छे से रखना। तो छत्तीसगढ़ में 400 पोस्ट जो है हॉस्टल वार्डन के आने वाला है, तो जिस किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करना है, मेहनत करना है, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा तुम मेहनत करोगे, तैयारी करोगे, उतना ही एक बेस्ट रिस्पांस, एक अच्छा खासा बेहतर रिज़ल्ट जो है देखने को मिल पाएगा। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल पर नए नए वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो जिस किसी भी स्टूडेंट को अगर वार्डन बनना है, अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, वार्डन आप जो है अवश्य रूप से बन सकते हैं। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से अगर पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए फ्रेंड। वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल पर जो है आप सभी स्टूडेंट को नए नए गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। वीडियो को शेयर जरूर करना, आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी वीडियोस पहुँच सकेगा।